नमस्कार सर जी। नमस्कार। नमस्कार। कहाँ से आ रहे हो आप? जयपुर राजस्थान। और आज कहाँ से आ रहे हो आप? आज धर्मशाला से आ रहे हैं। धर्मशाला से आ रहे हैं। तो कैसा है धर्मशाला का मौसम? धर्मशाला का मौसम अच्छा है, बारिश हो रही थी। तो आप कहाँ पर रुके थे उधर? भागसुनाग में। हाँ, भागसुनाग में रुके थे हम। कितने स्टे थे उधर आपके? हमारे स्टे थे वहाँ पे टू नाइट थी। और आज अभी कहाँ पर हो आप? हम अभी यहाँ खजियार में है। खजियार में मिनी स्विट्जरलैंड में। तो रास्ता ठीक है क्या धर्मशाला से लोजी तक का? हाँ, रास्ता बढ़िया है। बंद तो नहीं मिला कहीं रास्ते में? कहीं भी बंद नहीं मिला रास्ता। और तारीख कितनी आज? आज है 29 जुलाई है। 29 जुलाई है। और आप 28 को आयो धर्मशाला से? जी 28 को आए। रास्ता खुला है ना? रास्ता खुला। अगर कोई लोजी से धर्मशाला जाना चाहे तो जा सकते हैं? जी जा सकते। रास्ता तो बंद नहीं है ना? रास्ता बंद नहीं है। चलो ठीक है सर, जानकारी के लिए धन्यवाद। तो आज वीरवार का दिन है और 29 जुलाई तारीख है। तो आप लोग देख सकते हैं खजियार में कितने लोग आए हुए हैं। आज भी खजियार काफ़ी भरा हुआ है, बहुत सारे लोग जो हैं खजियार में घूमने के लिए आए हुए हैं। तो आप लोगों को मैं कुछ तस्वीरें दिखा देता हूं। 29 जुलाई 2021 और दिन है आज वीरवार का। जो हमारा पार्क है बिल्कुल हरा भरा हो चुका है, क्योंकि लगातार जो है बरसात हो रही है। आज जो है हल्की हल्की बूंदाबांदी हुई है, क्योंकि घने बादल छाए हुए हैं। आज बिल्कुल भी बरसात नहीं हुई, और पिछले कल जो है 1 बजे तक बरसात हुई थी। बुधवार के दिन जो है 1 बजे तक बरसात हुई। 1 बजे के बाद जो है बिल्कुल अच्छा मौसम रहा। अभी आज भी पूरा दिन जो है बादल छाए रहे, हल्की हल्की बूंदाबांदी जो है ज़रूर हुई है। तो आप लोग देख सकते हैं पूरा खजियार जो है इस वक्त जो है भरा हुआ है। बहुत सारे लोग जो हैं आज भी जो है घूमने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो इनमें ज़्यादातर जो गाड़ियां मैंने देखी वो पंजाब और हरियाणा नंबर की हैं। और ये जो फैमिली आई हुई थी जिनसे मैंने आप लोगों की बात करवाई है, ये राजस्थान से लोग निकले हुए थे और चंडीगढ़ से इन्होंने गाड़ी की हुई थी। टेम्पू ट्रेवलर इनके पास था। ये एक बड़ी फैमिली थी जो कि धर्मशाला से डलोजी कल पहुंचे हुए थे 28 तारीख को, और आज ये 29 तारीख को खजियार में घूमने के लिए आए हुए थे। तो डलोजी से खजियार का भी रास्ता खुला है, डलोजी से चंबा का भी रास्ता खुला है, और धर्मशाला से डलोजी भी आप लोग आ सकते हैं। पठानकोट से डलोजी का भी रास्ता बिल्कुल खुला है, और काफ़ी ज़्यादा लोग जो है आज भी खजियार डलोजी में घूमने के लिए आए हुए हैं। तो ये थी आज की जानकारी। जिन लोगों को मौसम के बारे में जानना था, तो दोस्तों आज जो है बिल्कुल अच्छा मौसम रहा। आप लोगों के सामने तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल घने बादल छाए रहे। तो अगर अभी आप लोग हिमाचल प्रदेश में घूमने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो आप लोगों को नदी नालों के पास बिल्कुल भी नहीं जाना है। और जो हमारे ऊँचे जो बहुत ज़्यादा हाइएस्ट हमारे जो रास्ते हैं, जो बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पर हमारे स्पॉट हैं, टूरिस्ट स्पॉट हैं, उन स्पॉटों की तरफ भी हमें नहीं जाना है। आसपास ही हमें घूमना है। और रिवर राफ्टिंग बिल्कुल बंद है, रिवर क्रॉसिंग बिल्कुल बंद है, पैराग्लाइडिंग बिल्कुल बंद है। तो ये 15 सितंबर तक जो है ये एक्टिविटियाँ बंद हैं। बाकी आप लोग आ सकते हैं, मौसम का आनंद ले सकते हैं। आप लोग देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं अभी भी घूमने के लिए आए हुए हैं। बाकी आप लोग जब भी आएँ मौसम को चेक करके ही आएँ, और नदी नालों के पास बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं जाना है। रात में सफ़र बिल्कुल नहीं करना है, दिन में जितना हो सके यात्रा करें और मौसम देखकर ही यात्रा करें। बाकी आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे लोग जो हैं घूमने के लिए अभी भी डलोजी खजियार आए हुए हैं। सारे स्पॉट यहाँ पर खुले हैं, आप लोग ध्यान से आ सकते हैं और आराम से जो है घूमकर जा सकते हैं। हिमाचल टूरिज्म की जो बस है वो भी दिल्ली से डलोजी के लिए चल रही है। तो जो लोग दिल्ली से डलोजी आने के बारे में इंक्वायरी कर रहे थे, तो वहाँ से वोल्वो बस चलती है दिल्ली से डलोजी, और एक चलती है दिल्ली से चंबा, तो वो भी हिमाचल टूरिज्म की बस है, तो आप उसको भी बुक करके आ सकते हैं। तो ये थी आज की जानकारी और आज का मौसम। तो आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल जो है खजियार में आज भी काफ़ी ज़्यादा लोग जो है देखने के लिए मिले, और मौसम भी आज जो है बिल्कुल साफ़ रहा। तो जब भी आप लोग आएँ मौसम के हिसाब से घूमना है, हमें जो है अपनी मनमानी भी बिल्कुल ज़्यादा नहीं करनी है। अगर मौसम ख़राब होता है तो
तो हमें जो है होटलों में बैठकर ही जो है आप लोग आनंद ले सकते हैं। तो मौसम देखकर आप लोग यात्रा कर सकते हैं, और ज़्यादा जो ऊंचे क्षेत्र है उसमें जाने से परहेज करें। बाकी लोग आपके सामने सारी तस्वीरें हैं, और ज़्यादा जानकारी के लिए मेरा मोबाइल नंबर है 9418007673। तो और किसी भाई को और ज़्यादा कोई जानकारी चाहिए तो वो मुझे फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय देवभूमि हिमाचल प्रदेश। फिर मिलता हूँ किसी और नए किसी स्पोर्ट के साथ। तब तक जय हिंद, जय देवभूमि हिमाचल प्रदेश।